चंबा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने चंबा सदर के पूर्व विधायक पवन नैयर की अध्यक्षता में उपायुक्त चंबा मुकेश रिप्सवाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आउटसोर्स में काम कर रही इन सभी महिला कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और हम सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर बीमार लोगों की जान बचाई थी जो कि कोविड की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित थे। आज हम लोगों को हमारी जगह से निकालकर किसी दूसरे को स्थान पर बिना किसी इंटरव्यू के रखा जा रहा है। इन आउटसोर्स महिला कर्मचारियों का कहना है कि यह जो 17 स्टाफ है जिसने कोविड के समय अपनी सेवाएं दी थी उनको ही दोबारा से रखा जाए। अभी मेडिकल कॉलेज में 20 नर्सों की पोस्टें निकली और आप हैरान होंगे कि 40 कोई उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दी। मेरे साथ ये यहाँ नर्सें खड़ी हैं, इनको भी किसी को दे दी और इनका मेडिकल भी हो गया कि आप जॉइनिंग 22 तारीख को करो। जब ये जॉइनिंग करने गए तो बोले आपको अगली पोस्टें तब देंगे। कोई भी और इंटरव्यू कौन ले रहा है? इंटरव्यू वो आदमी ले रहा है जो कि अनपढ़ है और जो कि जिसको कि ये ठेका दिया गया। मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है, अगर आप नहीं करेंगे मैं आपको बार बार बोलूँगा कि मेडिकल कॉलेज में इतनी धांधली हो रही है कि आप पूछो मत, अपनी मर्जी से सारे कर रहे हैं। दूसरा ये मेडिकल कॉलेज बनना है जो बंगाल का जो है, अपनी मर्जी से ये एक अनपढ़ आदमी इंटरव्यू ले रहा है। चाहिए तो ये था कि प्रिंसिपल को एक इसकी पहले कमेटी बनती है और उसके बाद इसके ये बनेंगे कि बीएससी नर्सिंग उसके कितने नंबर, जीएनएम के कितने नंबर, जीएनएम के कितने नंबर, जिन्होंने एक्सपीरियंस किए वो भी उनके कितने नंबर। अपनी मर्जी से इसने जो ये रख ली है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए हम डी साहब से मिले थे और मैंने प्रिंसिपल साहब से ही बात की है। यहाँ पर इतनी ये चली हुई है कि सारे डॉक्टर भी डरे हुए बेचारे, सारे जितने आउटसोर्स पर मेडिकल कॉलेज चंबा में रखे हुए, कोई इंश्योरेंस नहीं हो रही है इनकी। दिक्कत नहीं है हमारे, जिस टाइम हमने कोविड टाइम में काम किया था तो हमें सबने यही बताया था कि आपको सबसे पहले आपको रखा जाएगा, आप अभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, बच्चे हमारे पास कुछ नहीं है इस टाइम। आज जब हमें बुलाया जा रहा है, हम गए, हमारे रिज्यूम लिए गए, प्रिंसिपल सर से भी हम मिले तो प्रिंसिपल सर ने हमें बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप जाओ देखो कुछ हो सकता है आप तो करो। फिर हम सर रिज्यूम दिए, हमें नहीं बोला गया कि आपका 29 को जो अब इंटरव्यू रखा गया है, ये हमें किसी और से पता चला, हमें नहीं बताया गया था, कोविड स्टाफ को किसी को नहीं बताया गया था। फिर हम जब इंटरव्यू में गए उसके बाद कॉल आई, कॉल आने के बाद जब हमें बुलाया गया, हम कोविड स्टाफ में से किसी को कॉल नहीं आई, सिर्फ 4 लड़कियाँ जो उन्होंने सेलेक्ट की, बाकी जो 7-8 लड़कियों को जो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, ज्वाइनिंग लेटर देने का ज्वाइनिंग डेट भी दी गई, हमें इस दिन में आओ ज्वाइन करो, जब हम जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि आप जाओ यहाँ से, आपको 4 बजे बुलाया जाएगा, 4 बजे जाते हैं आपको 10 बजे बुलाया जाएगा, आपको कल बुलाया जाएगा, ऐसे ऐसे करके आज एक मंथ हो गया सर, हमें कुछ किसी ने कोई कॉल नहीं की, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सर। सर हमारी जो 70 स्टाफ हैं कोविड स्टाफ, हम चाहते हैं कि जितनी भी अगर आउटसोर्स पे पोस्टें आ रही हैं उनमें 70 स्टाफ जो हमारा कोविड का था उसको जो वो दोबारा से रीजॉइनिंग दी जाए। बाकी हम तो यही कह रहे हैं कि जो 20 स्टाफ की अभी जो पोस्टें आई थी उनको जो है वो दोबारा से उनका डॉक्यूमेंटेशन करवा के हमारे स्टाफ को जो वो जैसे 20-20 करके हमारी कोविड में जॉइनिंग हुई थी सीरियल वाइज हमें रखा गया था, वैसे ही हमारी दोबारा से रीजॉइनिंग हो जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। नेशनल स्कूल is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organized many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provide German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi,
physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Thinking Lab. Awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have Him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.